नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने एक और नए वीडियो बिकाऊ मकान चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बैंक से लोन के कारण यह मकान अर्जेंट बिकाऊ है। तो इस मकान की पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व बेल आइकन की घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो सर, यह जो मकान आपको दिखाया जा रहा है, आपकी डिवाइस की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यही मकान बिकाऊ है। जो कि यह मकान पूरे आपको दो मंजिल में बना हुआ देखने को मिल जाता है। मकान को ख़रीदते वक्त सर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत व कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस मकान को बड़ी ही आसान तरीके से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यह मकान जो है बैंक से लोन के कारण यह मकान ऑनर अपना यह अर्जेंट बेचना चाहते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। बात कर लेते हैं सर इस बिकाऊ मकान की प्राइस के बारे में, कीमत के बारे में, कि यह मकान कितने प्राइस तक बिकाऊ है, इस मकान की कुल टोटल कितनी कीमत है। तो सर, यह मकान आपको कुल टोटल 24 लाख रुपए में मिल जाएगा, जो कि 24 लाख रुपए में यह मकान अर्जेंट बिकाऊ है। और इस बिकाऊ मकान में कुल टोटल आपको 7 बने हुए रूम देखने को मिल जाएंगे। आप इस मकान में गाड़ी पार्किंग की सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इस मकान में आप अपनी 2 व्हीलर व 4 व्हीलर गाड़ी बड़े आराम से खड़ी कर सकते हैं। इस मकान के साइड के रास्ते के बारे में बात कर ली जाए तो सर, इस बिकाऊ मकान का जो साइड का रास्ता है, ये लगभग आपको 10 फीट चौड़ा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इस मकान तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत व कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस मकान तक अपनी 4 व्हीलर व 2 व्हीलर गाड़ी बड़े आराम से ले जा सकते हैं। बात कर लेते हैं इस मकान में आपको जो रूम मिलेगा वो कितने बाई कितने का मिलेगा। तो सर, इस बिकाऊ मकान में आपको जो रूम मिलने वाला है वो लगभग 12 फीट चौड़ा देखने को मिल जाएगा, जो कि आप इस मकान में 12 फीट का रूम प्राप्त कर पाएंगे। वहीं पर बात कर ली जाए सर, इस मकान में आपको पानी की व्यवस्था कहाँ से मिलेगी। तो सर, इस मकान में आपको जो है पानी की व्यवस्था समरसेबल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और मकान में आपको छत पर 2500 लीटर की पानी की टंकी भी लगी हुई देखने को मिल जाती है, तो आप वहां से भी पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं से बात कर लेते हैं इस मकान से नेशनल हाईवे की रोड के बारे में। तो इस मकान से आपको नेशनल हाईवे की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाएंगी। वहीं से इस बिकाऊ मकान में आपको गाड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ साथ मार्केट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही देखने को प्राप्त हो जाएगी। वहीं पर बात कर ली जाए सर, इस बिकाऊ मकान में आपको टीवी, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ आपको लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। मकान में सर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत व कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बात कर लेते हैं इस मकान की लोकेशन के बारे में, कि यह मकान कौन सी लोकेशन पे है, कौन सा राज्य में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो सर, यह मकान आपको उत्तर प्रदेश के राज्य में बना हुआ देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मकान आपको जो मिलता है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर तरीके से ये आपको लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में मकान देखने को मिल जाएगा। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मकान हजरतगंज इलाके में देखने को मिल जाता है। तो सर, अगर आपको यह लोकेशन पसंद है और इस लोकेशन का आप यह मकान ख़रीद सकते हैं, तो देरी ना करते हुए आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर कमेंट सेक्शन से भी बता सकते हैं व हमें ईमेल के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। तो सर, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ व किसी अन्य सस्ते से भी सस्ते बिकाऊ मकान के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद एंड वंदे मातरम।